हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने की लास्ट डेट अब तक क्यों नहीं बढ़ाई गई है और आखिर में रिजल्ट जारी होने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यूनिवर्सिटी को। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ताल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले जो 25 अगस्त पीजी में एडमिशन लेने की लास्ट डेट रखी गई थी वो अभी तक 25 ही बनी हुई है, लेकिन जब ये वीडियो बन रहा है तो 25 तारीख को ही बन रहा है, लेकिन अभी तक कानपुर यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट इंक्रीज करने का कोई भी नया नोटिस जारी नहीं किया है। तो स्टूडेंट लगातार संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में लगातार कमेंट ये कर रहे हैं कि सर आखिर में ये पीजी के एडमिशन क्यों बंद हो गए, अब खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। तो फ्रेंड कन्फर्म रहिएगा, अभी तक कानपुर यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कोई के रिजल्ट पूरे जारी नहीं किए हैं। तो कन्फर्म रहिएगा, आपको 26 तारीख दोपहर 12 बजे तक आसानी से एक नोटिस दिख जाएगा। अदरवाइज आप अपने महाविद्यालय में प्रवेश लेने जाइएगा, वहाँ पर आसानी से यूनिवर्सिटी के माध्यम से नोटिस आ जाता है डायरेक्ट कि स्टूडेंट का एडमिशन आप ले सकते हैं। तो कन्फर्म रहिएगा, आपकी डेट एक्सटेंड जरूर की जाएगी और डेट का नोटिस जैसे ही कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किया जाएगा आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट का इंटरफेस क्यों नहीं बढ़ाया गया है कानपुर यूनिवर्सिटी में, अभी तक 25 तारीख क्यों लिख के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं की गई, ऐसा कारण हो सकता है, लेकिन कन्फर्म रहिएगा क्योंकि अभी तक यूजी के सारे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, इसलिए कन्फर्म रहिएगा कि आपका लास्ट डेट 100% इंक्रीज किया जाएगा।